नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है जो कि हमें प्रोत्साहित करता रहता है। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, तो अर्जुन कपूर भी हुए कोरोना वायरस पॉजिटिव, इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। एक्टर के कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अर्जुन कपूर ने खुद इंस्टाग्राम के जरिए इस बात की जानकारी दी और यहां तक कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कही जाने वाली यानी कि मलाइका अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फिल्म जगत से एक और बड़ी खबर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका हुए अस्पताल में भर्ती, होगी गले की सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल शो में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले एक्टर घनश्याम नायक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कहा जा रहा है कि उनके गले में परेशानी होने के कारण उनकी सर्जरी होने वाली है। कुछ समय से घनश्याम नायक शो में भी नजर नहीं आ रहे। इन्होंने अभी भी लॉकडाउन के बाद में शूटिंग शुरू नहीं की है। बढ़ते आज की अगली खबर की ओर, तो ईरानी रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, चीन समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, रूस के दौरे के बाद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान दौरे पर पहुंच गए। ईरान दौरे पर राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने, अफगानिस्तान, चीन समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी हुई। ईरान के दौरे से पहले चीनी रक्षा मंत्री के साथ में भी राजनाथ सिंह ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि LAC पर मौजूद स्थिति का प्रबंधन जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। राजनाथ बोले कि किसी भी पक्ष को आगे ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि स्थिति जटिल हो जाए या फिर सीमा क्षेत्रों पर तनाव बढ़ जाए। अगली खबर है, बेफिक्र होकर बुक कराए अपना ट्रेन टिकट, वेटिंग लिस्ट की समस्या हुई खत्म। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब आपको ट्रेन में टिकट बुकिंग कराने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने कंफर्म सीट रिजर्वेशन देने का प्लान बना लिया है और अब आपको ट्रेन में सीट मिलना तय है। भारतीय रेलवे ने कहा कि यात्रियों को कंफर्म सीट देने के लिए क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी और ये कुल मिलाकर किसी भी एक ट्रेन के साथ में अतिरिक्त ट्रेन चलाने जैसा है। यानी कि अगर किसी ट्रेन में ज्यादा लोग टिकट करवाते हैं तो एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाई जाएगी ताकि वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म हो जाए। चलिए तो हवाई यात्रा को लेकर भी बड़ी खबर आई है, कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा के लिए SpiceJet ने शुरू की खास सुविधा, अब एक यात्री अपने लिए बुक कर सकेगा लाइन की सभी टिकटें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण लोग यात्रा करने से कतरा रहे हैं और इसी को देखते हुए एयरलाइन कंपनी SpiceJet फ्लाइट ने यात्रा को सेफ बनाने के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है और इसके तहत अब यात्री एक लाइन की तीनों सीटों को बुक कर सकते हैं। यात्रियों को कॉन्टेक्टलेस हवाई सफर की सुविधा के तहत ये सुविधा दी गई है। और ऐसी ही एक और बड़ी खबर है, लॉकडाउन में बुक कराई फ्लाइट टिकट का पूरा पैसा होगा रिफंड, DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान में बुक किए गए फ्लाइट के टिकट का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा और ये रिफंड 25 मार्च से लगाकर 3 मई 2020 के बीच में यात्रा के लिए टिकट पर लागू होगा, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सभी टिकटें शामिल होगी। अगली खबर है, PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तैयारियां शुरू, अब इस बार BJP ने बनाई खास कार्य योजना। जी हां दोस्तों, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी 70 वर्ष के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के इस अवसर पर पूरे एक सप्ताह तक सेवा कार्य का संचालन किया जाएगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी BJP सभी प्रदेशों में लगातार बैठकें और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है। बात करें सोने के भाव की, सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,961 रुपए, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 39,688 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 49,610 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,96,100 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,412 रुपए, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 43,296 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 54,120 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 5,41,200 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वहीं दोस्तों बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर,
मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। इसी के साथ में बात की जाए चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 67,210 रुपये पर चांदी का भाव चल रहा है। चलिए तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, और इसके विकल्प है 25 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है, इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहां पर प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश।